नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संतकबीर नगर जिले के टॉप 5 प्रभावशाली नेताओं के बारे में। आइए जानते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, अंकुर राज तिवारी। अंकुर राज तिवारी का जन्म सन 1990 में खलीलाबाद जिले में हुआ। उनके पिता का नाम उदय राज तिवारी है। अंकुर राज तिवारी का इलाके के साथ पूर्वांचल में काफी दबदबा है। उनके पिता उदय राज पूर्वांचल के बाहुबली पवन पांडे के बड़े भाई, पूर्व सांसद राकेश पांडे अंबेडकर नगर के बिजनेस को हैंडल करने का काम करते हैं। साथ ही तिवारी परिवार और पांडे परिवार एक दूसरे के परिवार की तरह हैं। अंकुर राज के काफी बिजनेस हैं। लंबी चौड़ी काफिले के साथ अंकुर राज चलते हैं। वे महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं। अंकुर राज तिवारी वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर अंकुर राज तिवारी पहली बार विधानसभा में पहुंचने का काम किए। नंबर 2, भालचंद यादव। भालचंद यादव संतकबीर नगर जिले के भगता गांव के निवासी थे। बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाई के साथ पहलवानी करने वाले भालचंद यादव का एक समय में छात्र संघ की राजनीति में काफी दबदबा बना था। वर्ष 1999 में वो पहली बार सपा से सांसद बने। 2004 के इलेक्शन में वह बसपा से सांसद बने, लेकिन वर्ष 2008 में कुछ दिक्कतों का कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उपचुनाव हुआ, लेकिन वह हार गए। इसके बाद भालचंद यादव ने वर्ष 2009 और 2014 लोकसभा चुनाव में भी हिस्सा लिया, लेकिन जीत उन्हें नसीब नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद वर्ष 2019 में मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी जीवन की अंतिम सांस ली। नंबर 3, दिग्विजय नारायण चौबे। दिग्विजय नारायण चौबे का जन्म 15 अक्टूबर 1970 को यूपी के संतकबीर नगर जिले के भिताहा गांव में हुआ। उन्होंने वर्ष 1994 में पूनम चतुर्वेदी से साथ शादी की थी। इनके दो बेटे हैं, सत्यम और शिवम। एक बेटी स्मृति है, वह ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बैंगलोर से अपना स्नातक की शिक्षा अर्जित की है। दिग्विजय नारायण जय चौबे ने बीएसपी से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़कर सियासी सफर की शुरुआत की। चौबे ने अपना राजनीतिक सफर यूपी की 16वीं विधानसभा वर्ष 2012 के चुनाव में शुरू किया। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने खलीलाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन वह मोहम्मद आयुब पीस पार्टी के संस्थापक सदस्य हार गए थे और तीसरे स्थान पर रहे। दिग्विजय नारायण जय चौबे संत कबीर नगर जिले के साथ ही बस्ती जिले में कई इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के प्रबंधक। नंबर 4, श्री राम चौहान। श्री राम चौहान का जन्म 20 सितंबर 1953 को हुआ। उच्च शिक्षा ग्रहण के दौरान ही आरएसएस के सक्रिय स्वयंसेवक बनकर कार्य करने लगे। वर्ष 1984 में पहली बार खलीलाबाद विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्ष 1989 में पार्टी ने इन्हें हंसर बाजार विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। श्रीराम ने कांग्रेस पार्टी की गीता देवी को पराजित किया और पहली बार विधानसभा में पहुंचे। वर्ष 1991 में इसी सीट से दोबारा जीत दर्ज की, परंतु वर्ष 1993 में विधानसभा चुनाव में श्रीराम चौहान हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1996 में श्रीराम चौहान को बस्ती लोकसभा सीट से सांसद चुना गया। वर्ष 1998 व 1999 में भी बस्ती से सांसद चुने गए। वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में श्रीराम चौहान को खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों में राज्य मंत्री बनाया गया। वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव में बस्ती सीट से चुनाव हारने के कारण वर्ष 2009 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वर्ष 2012 की विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्त्र सीट से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। वर्ष 2017 में घनघटा सीट से भाजपा ने श्रीराम चौहान को अवसर दिया। इस बार मतदाताओं ने भी उन पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार विधानसभा में भेजने का कार्य किया। वर्ष 2022 में वह खजनी से विधायक निर्वाचित हुए। उनकी गिनती मिलनसार नेताओं में होती है। नंबर 5, राकेश सिंह बघेल। राकेश सिंह बघेल का जन्म संतकबीर नगर जिले के मेहदावल के बखीरा गाँव में हुआ। वह 3 भाई है। राकेश के छोटे भाई अजय सिंह बघेल विद्यालय और कोचिंग सेंटर चलाते हैं। गुलरिया इलाके में उनका एक विद्यालय है, जबकि गोलघर में कोचिंग है। राकेश के पिता मुकुंद सिंह बघेल
पीडब्ल्यूडी में जेई पद से रिटायर्ड हैं। गोरखपुर के राप्ती नगर गणेशपुरम में मकान बनवाकर इनका परिवार यहीं पर रहता है। सभी भाई संयुक्त रूप से यहीं रहते हैं। राकेश सिंह बघेल हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य थे। बाद में वह 2017 के विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए बीजेपी के टिकट से। उसी कार्यकाल में राकेश बघेल और तत्कालीन समय के सांसद रहे शरद त्रिपाठी से मारपीट हुई थी, जो कि देश भर में मामला छाया था। उनके छोटे भाई पर गोमती रिवर फ्रंट की ठेका लेने का कार्य में घोटाला करने का आरोप लगा था, जो कि सीबीआई में यह मामला चल रहा है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर परिवार आए वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।